इंडिया में माल न्यूट्रिशन, हंगर और अंडरवेट पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम बन गई है। इंडिया इस वक्त ओबेसिटी रैंकिंग में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। इस वक्त 20% से ज़्यादा लोग ओवरवेट हैं और 5% से ज़्यादा लोग ओबीस कैटेगरी में आते हैं। आप गूगल करके देखें ओबेसिटी इन इंडिया तो आपको पता लगेगा क्या सिचुएशन है। ओबेसिटी इस वक्त उतनी ही बड़ी एपिडेमिक है जितना कि माल न्यूट्रिशन और हंगर है। जब से लॉकडाउन हुआ है मेरा तो वेट बढ़ गया है, आई एम श्योर आप लोगों का भी बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल सही टाइम है बात करने के लिए फैट और ओबेसिटी के बारे में, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, हमारी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। इसका मटेरियल स्टडी कर रहा था, आई केम अक्रॉस दिस बुक, फाइट विद फैट, बैटलिंग इंडियाज ओबेसिटी क्राइसिस बाय डॉक्टर कमल महावर। डॉक्टर कमल महावर एक बेरियाट्रिक सर्जन है। बेरियाट्रिक वर्ड का मतलब होता है पर्टेनिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ वेट। तो जो लोग वेट कम करने के लिए ऑपरेशन करते हैं उनको बेरियाट्रिक सर्जन कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे मेरे थॉट्स प्लस जो चीज़ मैंने इस बुक को पढ़ के सीखी है वो आपसे शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोगों का वेट गेन क्यों हो रहा है? बेसिक फंडा है कि एक तो हम ज़्यादा खा रहे हैं, दूसरा हम काम कम कर रहे हैं। प्लस आजकल फूड इतना इजीली अवेलेबल है, जोमेटो स्विगी पे सारा दिन तो ऑफर चलते रहते हैं कि ये भी खा लो वो भी खा लो, 50% ऑफ ये ऑफर वो ऑफर, 1+1 फ्री। आप अपना फ्रिज खोल के देखें उसमें स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, अलग अलग तरह की डेलिकेसीज भरी पड़ी हैं। सुपरमार्केट जाएंगे वहाँ पे एक पूरा फूड सेक्शन बना दिया है, ये भी खा लो वो भी खा लो, अबे कितना खाओगे, इतनी थोड़ी ना जरूरत है बॉडी को। अब टीवी पे सारा दिन अगर फ्राइड चिकन की ऐड आएगी तो फ्राइड चिकन तो खाने का मन करेगा ही ना भाई। तो हम खा तो इतना रहे हैं और काम कितना कर रहे हैं? कुछ नहीं। डेस्क जॉब है सबकी, लैपटॉप पे काम करते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। अब ये चीज़ सिर्फ अमीरों में नहीं रह गई, अब ये लोअर मिडिल क्लास में भी ट्रिकल करके पहुंच गई है। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड लेस फिजिकल वर्क। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट बढ़ गया है तो कैसे चेक कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं? तीन तरीके हैं। सबसे पहला है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये आपका वेट और हाइट लेके कैलकुलेट करता है। दूसरा है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। अब जो वेस्ट का फैट है वो एक तो जल्दी आता है और सबसे बाद में जाता है, पर ये मेडिकली भी ज़्यादा खतरनाक है। वेस्ट फैट को हम अब्डोमिनल ओबेसिटी भी कहते हैं और इससे डायबिटीज़ और लीवर की प्रॉब्लम होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। तीसरा है वेस्ट टू हिप रेशियो, ये उन लोगों के लिए है जिनका ब्रॉड बिल्ट होता है। बट आप BMI पे रहिए, BMI बेस्ट है देखने के लिए। स्क्रीन पे इस वक्त आपको एक BMI का चार्ट दिख रहा होगा, चाहे तो यहाँ पे पॉज करके एक बार अपना BMI कैलकुलेट करके देखें कि आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं या मॉर्बिड ओबीज हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। दो तरह के लोगों को कंपेयर करते हैं। एक होते हैं जो कि अपनी लेस एक्टिविटी को कवर करने के लिए खाना बिल्कुल कम कर देते हैं। इन लोगों में एक तो मसल मास नहीं होता और कंपैरेटिवली देखें तो फैट फिर भी ज़्यादा होता है। अब इन लोगों में डायबिटीज़ और लिवर की प्रॉब्लम्स होने के रिस्क और भी ज़्यादा हैं। तो सिर्फ घर बैठे रहने से और खाना कम कर देने से आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हो जाएगी। दूसरे होते हैं जो कि ओवरवेट होते हैं लेकिन फिट होते हैं। अब ये लोग फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा करते हैं और खाते भी ज़्यादा हैं, तो इनकी बॉडी में फैट तो है ही लेकिन मसल मास भी ज़्यादा है, और प्रोपोर्शन में देखेंगे तो मसल मास काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोग रिलेटिवली फिट होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज ही इलाज है, सिर्फ घर बैठ के खाना बंद करके अपना वेट कम करना इलाज नहीं है। क्या जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटापे के लिए? हाँ, कुछ जीन्स हैं जो कि ओबेसिटी कॉज करते हैं, फैमिलीज में रन करते हैं, लेकिन ये चीज़ जानने के लिए आपको अपने पूरी फैमिली की जेनेटिक टेस्टिंग करानी पड़ेगी। और इंडिया में अगर आपको आसानी से फैसिलिटी मिल जाए तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मिल पाएगी आसानी से। कुछ बीमारियों की वजह से भी मोटापा होता है, तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अपने एक बार डॉक्टर से जाके मिलिए। अब थोड़ी साइंटिफिक बात करते हैं। हमारी बॉडी तीन तरह के फ्यूल यूज़ करती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और ये सब लीवर हैंडल करता है और किस टाइम पे क्या चीज़ यूज़ करनी है हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। बट जो भी एक्सेस एनर्जी अवेलेबल होती है बॉडी के पास वो सिर्फ एक ही फॉर्म में स्टोर हो सकती है, वो है फैट। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन भी ज़्यादा खा रहे हैं एक्सेस में तो स्टोर तो वो फैट की फॉर्म में ही होगा जाके। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फैट में पर ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि फास्टिंग के टाइम पे या स्टारवेशन के टाइम पे तो फैट सबसे ज़्यादा काम आएगा, इसलिए बॉडी हमेशा फैट के फॉर्म में ही स्टोर करती है। इस बुक के ऑथर ने इस कंसेप्ट को IKEA के बिजनेस मॉडल से कंपेयर किया है कि कम स्पेस में ज़्यादा स्टोरेज। तो नेचर तो बहुत टाइम से इस फॉर्मूले पर काम कर रही है। तो ये तो बात हुई स्टोर करने की, बट जब यूज़ करने की बात आती है तो फैट सबसे पहले यूज़ नहीं होता, सबसे पहले यूज़ होता है ग्लाइकोजन। तो अगर आप सफिशिएंट एनर्जी बर्न नहीं करेंगे कि फैट का नंबर आ सके और वो यूज़ हो सके, तो फैट कभी भी कम नहीं हो सकता। द पॉइंट इज इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज। आपको अपना कैलोरी इनटेक कंट्रोल करना है भले वो किसी भी फॉर्म में हो। आप प्रोटीन दबा के खाए जाएंगे और ये सोचेंगे कि मेरे को कभी फैट इकट्ठा ही नहीं होगा बॉडी में, तो आई थिंक आपका आज फैट चेक हो जाएगा इससे। तो आपने कैलोरीज का ध्यान रखना है और कैलोरीज हर रोज काउंट करना, एक चार्ट बनाना कितना खाया कितनी कैलोरीज, ये आसान काम नहीं है। तो सिंपल तरीका ये है कि अपना वेट मॉनिटर करिए और उसके हिसाब से अपना खाना कम करिए और एक्सरसाइज बढ़ाइए। महीने में एक बार से शुरुआत करिए, कम से कम महीने में एक बार वेट चेक करिए। जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस पर काम कैसे करेंगे? अभी जो फैट इकट्ठा हो रहा है एक नुकसान क्या करता है? प्रॉब्लम ज़्यादा तब होती है जब ये बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है।
फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स में जमा होगा तो एक बीमारी कॉज करेगा जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इससे आपको हाई बीपी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। अब ये लिवर में जाएगा तो फैटी लिवर कॉज करेगा और फैटी लिवर आगे जाके हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर फेलियर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। ये फैट पैंक्रियाज में जाएगा, पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने में प्रॉब्लम होगी, आपको डायबिटीज होगी। और लिस्ट बहुत लंबी है, कई बीमारियां हो सकती हैं फैट के होने की वजह से। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अवेयर करा रहा हूँ इन चीज़ों से ताकि आप इसके ऊपर काम कर सकें। हॉस्पिटल्स में इस वक्त पेशेंट्स भरे हुए हैं इन सब बीमारियों से और उन सब का मेजर रीज़न है ओबेसिटी। भले ये अकेला रीज़न ना हो बट एक मेजर रीज़न ज़रूर है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ भी है, ये सब जो मैंने आपको बताया ये सारे रिवर्सिबल हैं। आप वज़न कम करिए, ये सब कुछ ठीक हो जाते हैं, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अब तो ये भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ का भी रिमिशन हो जाता है अगर आप डायबिटीज़ की अर्ली स्टेजेस में ही अपना वेट लॉस कर लेते हैं। क्योर नहीं होता क्योंकि वो वापस आ सकती है बीमारी। अब बात करते हैं हेल्दी ईटिंग के बारे में। देखिए, इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कन्फ्यूजन ही हो गया यार, क्या खाएं क्या ना खाएं, सब उस बैलेंस्ड डाइट की खोज में लगे हुए हैं। तीन ही तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? अब आप अपना डेली कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करने बैठेंगे हर रोज तो बाकी काम कब करेंगे? आपको सिर्फ इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बैलेंस्ड डाइट इज 60% कार्बोहाइड्रेट, 25% फैट एंड 15% प्रोटीन विद विटामिन एंड मिनरल्स। एंड इंडियन डाइट इज यूजली डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स, तो हम लोगों को अपना प्रोटीन्स इंक्रीज करना है, बाकी सब कम करना है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक राइस, रोटी, ब्रेड्स एंड लेंटिल्स, बैड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर, स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड शुगरी ड्रिंक्स। जो गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको कि अब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को मेहनत लगती है और टाइम लगता है, इससे आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। जो बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फटाफट अब्जॉर्ब हो जाते हैं, फटाफट बॉडी में शुगर बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज होता है और थोड़े टाइम में आपको फिर दोबारा भूख लगती है और आपका इनटेक बढ़ जाता है। और फैट दो तरह के होते हैं, गुड फैट्स लाइक मिल्क, योगर्ट, चीज़, एग एंड फिश, बैड फैट्स लाइक ऑयल, बटर, घी एंड मीट। अब इंडियन फूड में फैट यूजली एक्सेस में होता है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन सबको कम करें बस। अब आते हैं प्रोटीन्स पर, फिश और एग वाइट हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। अब वेजिटेरियंस यहाँ ध्यान दें कि वेजिटेरियन में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स के लिए, मिल्क, कुछ लेंटिल्स और सोयाबीन, राइट। दूसरा, जो आप मिल्क ले रहे हैं अगर आप उसको बॉयल कर देंगे तो उसका प्रोटीन कंटेंट वैसे ही खत्म हो जाता है। जो दूध वाले से अगर आप दूध ले रहे हैं उसको बिना बॉयल के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी का भरोसा नहीं है, उसमें बैक्टीरिया हुए तो आपको बीमारी कॉज करेगा। इसलिए पास्चराइज्ड मिल्क यूज़ करें जो कि बिना बॉयल किए यूज़ कर सकते हैं और पास्चराइजेशन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी किल हो जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेट, इनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, लो कैलोरी हैं, लो फैट कंटेंट है और जो कार्बोहाइड्रेट है इनके अंदर वो भी कॉम्प्लेक्स और गुड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। वेजिटेबल्स में ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती और ये आपको ज़्यादा देर तक फुल फीलिंग देते हैं तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है खाने के बाद। और दोनों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिनरल्स और विटामिन काफ़ी सफिशेंट मिल जाते हैं। बट अगेन, फॉर वेजिटेरियंस दीज आर स्टिल लो इन प्रोटीन। लिक्विड कैलोरीज पे आते हैं, लिक्विड कैलोरीज जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जल्दी अब्जॉर्ब होने की वजह से एकदम से बॉडी में शुगर बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज होता है और आपको थोड़े ही टाइम बाद दोबारा भूख लगने लगती है। फ्रूट जूसेस भी इसी तरह से काम करते हैं, दे आर मेंट टू प्रोवाइड यू क्विक एनर्जी। ये पेशेंट्स के लिए और बीमार लोगों के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर अपनी डाइट में से नॉर्मल फ्रूट्स को हटा के फ्रूट जूसेस ले आएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, यू विल एंड अप कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज। कोक की तो बात करनी ही पड़ेगी जब हम डाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो कोक इज फ्री कैलोरीज। कोक जीरो जो आ गई है उसमें कैलोरीज नहीं होती लेकिन उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये आई थिंक अगले 20-30 सालों में जब कुछ अगर इफेक्ट आना होगा इन चीज़ों का बॉडी में आएगा तभी पता लगेगा, अभी तक तो कुछ क्लियर है नहीं। तो अभी के लिए आप कोक जीरो ले सकते हैं क्योंकि कोई भी प्रूवन डिसएडवांटेज नहीं है उसका, बट नॉर्मल कोक में कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, उसको तो डेफिनेटली अवॉइड करें। अल्कोहल ये अपनी तरफ, लेकिन अल्कोहल में जो कैलोरीज आ रही हैं उसका भी ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ अल्कोहल तो होगा नहीं, साथ में चखना भी होगा, हेल्थ को भी नुकसान करेगी और वेट के लिए भी नुकसानदायक होगी। चाय तो इंडिया का स्टेपल ड्रिंक है, सब पीते हैं, एक चाय में 90 कैलोरीज होती हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ चाय थोड़ा ना पीते हैं, उसके साथ बिस्किट भी खाएंगे, उसके साथ हम स्नैक्स भी खाएंगे और ऑफिस में 3-4 बार चाय ब्रेक होगा और साथ में समोसा भी चाहिए। इतना सब कुछ मिला के आधे दिन की कैलोरीज तो सिर्फ चाय से ही हो जाएंगे आपकी। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल का हमारे इस ओबेसिटी की प्रॉब्लम में बहुत बड़ा हाथ है। फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, गाड़ियाँ हैं, ओला है, उबर है, बटन दबाइए, सब कुछ काम हो जाता है आजकल, तो वेट गेन तो होना ही है। अब देखिए, फिट दिखना और एक्चुअली फिट होने में फ़र्क होता है। हार्ट हमारा मसल्स का बना हुआ है, तो आप जितना हार्ट को अपने स्ट्रांग करेंगे उसकी उतनी ही कैपेसिटी इंक्रीज होगी, साथ में जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनकी ब्लड अकोमोडेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है, इससे आपको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप डेली कार्डियक एक्सरसाइजेस करें जिससे आपका हार्ट स्ट्रांग हो।
अगर आप जिम भी जा रहे हैं तो आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ज्यादा। मसल्स बनाने का फायदा है डेफिनेटली, देखिए एक फायदा है कि लुक्स हो जाती है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। दूसरा फायदा ये है कि मसल्स होने से आपके जॉइंट्स प्रोटेक्ट होते हैं, मसल्स स्ट्रांग होंगी तो जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम पड़ता है, इसलिए मसल्स बनाने भी इंपॉर्टेंट है। बट जब हार्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो मसल बना के क्या कर लेंगे। अब बात करते हैं कि हम अपने खाने को हेल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस चाहिए। हम खाने में ऑयल क्यों यूज़ करते हैं? हम ऑयल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ऑयल का बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 232 डिग्री सेल्सियस। तो आप खाने को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर पकाते हैं, इसलिए खाना जल्दी पकता है और साथ ही में वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है और आपका खाना क्रिस्पी हो जाता है, राइट। बट अब हमारे पास माइक्रोवेव की फैसिलिटी अवेलेबल है। माइक्रोवेव भी वही काम कर रहा है, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू वेरी हाई टेम्परेचर एंड अब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फ्राइम्स मुझे बहुत पसंद है, मम्मी बचपन में फ्राई करके खिलाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। बट फिर उसके बाद माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आ गई, आप माइक्रोवेव में फ्राइम्स बनाइए बिना एक भी ड्रॉप ऑफ ऑयल के, उतने ही अच्छे बनेंगे, उतने ही क्रिस्पी बनते हैं। अब इसके तो नाम में ही फ्राई है, इसको भी आप बिना फ्राई करे खा सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस हमें चाहिए, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग आजकल इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे कि हम अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग जो कि ऑयल, घी, आलू के पराठे, ऊपर से बटर लगा के, ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते अब। तो ये तो हो गई बात हेल्दी कुकिंग, हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल की। बट क्या फैट का कोई और इलाज है? जी हाँ, इलाज है। एंटी ओबेसिटी पिल्स भी आती हैं आजकल मार्केट में, बेरियाट्रिक सर्जरी भी एक ऑप्शन है, लाइपोसक्शन भी एक ऑप्शन है। बट मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। बट अगर आप ये सब ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको रिस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी पिल्स भी रिसेंटली डेवलप हुई हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी भी एक न्यूअर ब्रांच है और लाइपोसक्शन भी प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की तरफ जाना है तो रिस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। जिस तरह से ओबेसिटी बढ़ रही है, आने वाले टाइम में बीमारियों का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है, इट इज़ टोटली क्रम्पल्ड, और गवर्नमेंट्स हेल्थ केयर पर ध्यान दे नहीं रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बन जाती है कि आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ एक्सरसाइज करने के लिए और अपने डाइट पर कुछ कंट्रोल लाने के लिए। सो स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, स्टार्ट कुकिंग हेल्दी एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग टू लूज दैट वेट विच यू हैव गेन्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये बुक जरूर पढ़ें, इसमें आपको और डिटेल मिल जाएंगी इन सब चीज़ों के बारे में। अभी के लिए इतना ही, मैं अब जा रहा हूँ साइकिलिंग करने ताकि मैं बैठे बैठे इस भालू के जैसा ना बन जाऊँ। आई एम डॉक्टर चिजल भाटिया, नमस्कार।